सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह पता नहीं क्या टाइम होगा, तो सुबह का टाइम है 6:30-7 बजे के आसपास। और आज ना बादल बादल छा गए हैं चारों तरफ। सुबह सुबह ना छोटी छोटी बूंदें लग रही थी, ऐसे मैंने जल्दी आ जाना था 5:30 या 6 बजे, पर मुझे घर पर थोड़ा सा टाइम लगे। टाइम कुछ नहीं है, सुबह ना हल्की हल्की सी बारिश लग रही थी जिसको बूंदाबांदी बोलते हैं। और दस्ताने में भूल गई हूँ घर पर, और अब ना आदत पड़ेगी है ना दस्तानों की, तो अगर ऐसे गेहूँ काटूँगी ना तो जो तिलिया बोलते चूखड़ बोलते हैं हमारे, तिलिया तिलिया होती है ना पहननी, वो लगती है हाथ में। और आदत पड़ी है मुझे, पीछे जब हम घास की कटाई कर रहे थे ना तो मेरी कुछ सखियों ने कहा था कि दस्ताने डाला कर हाथ में, ये देखो कुछ लग गया अंगूठी में, ये जो कनक होती है ना इसकी तिली लग गई है। तो आधा घास मैंने काट दिया था, और आज जब आधा घास बचा था कंटीली झाड़ियाँ वाली घास नहीं, तो वहाँ पर मेरी एक सखी ने कहा था कि दस्ताने पहना करना तो हाथ सेफ रहते हैं। और अब ऐसी आदत पड़ गई है ना उन दस्तानों की, उनके बिना कुछ काम भी नहीं होता, मतलब घास कटाई का या कुछ भी जो भी करना हो, घास लकड़ियाँ वगैरह बाकी और घर का तो नहीं कर सकती मैं दस्ताने पहन के, पर कटाई का काम, कटाई के काम के लिए ना दस्ताने चाहिए ही होता है। और अभी भी हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही है, थोड़ा सा फास्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे वीडियो, इतनी जल्दी नहीं मैं काटती हूँ क्योंकि तभी इतना मतलब बुखार हट हट के आ रहा है, बीच बीच में चला जाता है, बीच बीच में बुखार आ जाता है। जब बुखार आता है तब सो जाती हूँ, और जब हल्का सा बुखार चला जाता है तभी तो कुछ ठीक लगती है ना, तब मैं लग पड़ती हूँ गेहूँ काटने के लिए। और आजकल 5 दिन मुझे बुखार रहा कंटिन्यू। अब पंकज के पापा जी हो गए बीमार, वो तो आएंगे नहीं खेत में, मैंने सिर्फ 1 दिन रेस्ट कर रखा था, बाकी मैं बीच बीच में आ ही जाती थी, एक ही मतलब टाइम मैंने रेस्ट किया था। और अब फिर से बूंदाबांदी लग गई है। मैं अपना फ़ोन रख लेती हूँ पेड़ के नीचे, क्योंकि जो छोटी छोटी बूंदी होती है ना इससे फ़ोन ख़राब हो जाएगा। और पंकज के पापा जी आए पानी लगाने के लिए, देखना ऊपर से बादल का मौसम बना है बारिश का, फिर भी पानी लगा रहे हैं। और ये बारिश लगते लगते ना ज़्यादा ही लगी है। और मैं आ गई हूँ अपने खेतों से, अब मुझे बनानी है रोटी और दाल बना दी है पंकज के पापा जी ने, मुझे सिर्फ मक्की की रोटी बनानी है। और अब बाहर ना बारिश लग गई है, अब जो कणक बची है ना उसको बाद में काट लेंगे। अब ये बारिश ऐसी रहेगी क्योंकि जब कणक काटने का टाइम होता है ना तब ऐसा होता है। गौरी के लिए दलिया बन गया है और आग अभी है चूल्हे में, मैं फटाफट से मक्के की रोटी बना लेती हूँ। तो मेरे बच्ची है लास्ट रोटी, और ये जो लास्ट रोटी होती है आपको पता है कुत्ते की होती है, तो विशु के लिए बना रही हूँ मैं सबसे बड़ी रोटी। और 2 जने तो है हम घर पर, 4-5 या 5-6 रोटी ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि 1-2 रोटी ना छाबी में चाहिए भी होती है, बोलते हैं खाली छाबी नहीं रखनी होती है। और ये बन गई है हमारे लिए, और भोग लगा दिया है पंकज के पापा जी ने, और ये विशु की रोटी है सबसे बड़ी। और तो बस अब खाना खाएंगे और उसके बाद फिर दवाइयाँ खाकर रेस्ट करेंगे, उसके बीच में भी पशुओं का काम भी होगा। ये बन गई है विशु के लिए सबसे बड़ी रोटी। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और 6 बजे से ऊपर ऊपर है आज। जिनको भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ना वो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। बाकी अपने जो मैंने खुद गाए और खुद नाची हूँ मैं, वही गीते डालूँगी मैं अपने इस चैनल पर। बाकी जो भी भजन कीर्तन है और जो भी वहाँ का बादल का गीत है ना, वो मैं सखी ग्रुप चैनल के ऊपर अपलोड करूँगी, वहाँ पर भी ज़रूर विजिट करना। और जिन्होंने भी सखी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना तो ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको सखी ग्रुप चैनल पे सिर्फ और सिर्फ गीते की वीडियो मिलेगी। वो मेरे अकेले का चैनल नहीं है, वो सभी सखियों का चैनल है, तो उस पर भी अपना प्यार ज़रूर देना। और दवाई खा रखी है मैंने ना, आँखें उतनी लाल नहीं है। तो जो हमारा सेरिकल्चर का ट्रेनिंग लगी हुई है 10 दिन की, वहाँ पे भी जा रहे हैं, गेहूँ भी पक गई है, पशुओं का काम भी होता है, खाना भी बनाना होता है, झाड़ू पोछा आपको पता है घर में कितना सारा काम होता है, तो सारे को एक साथ लेकर ना चलना पड़ता है। और वीडियो ऐसे भी मैं 1 दिन छोड़ छोड़ कर डालती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए या कुछ काम बढ़ जाए ना ज़्यादा, तो 2-3 दिन का गैप भी कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो एडिट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो एडिट करो, टाइटल लगाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भरो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और
शायद मैं इस चैनल को अब थोड़े दिन के बाद ना बंद ही कर दूंगी, क्योंकि आंखें ना धोखा देने लगी है। बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ गया है आंखों में, क्योंकि दिन को टाइम नहीं लगता वीडियो एडिट करने का, और शाम को मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो आंखें ख़राब होगी मेरी, मतलब आधे से ज़्यादा ख़राब होगी, ऐसा समझ कर चलो आप। तो बच्चे भी और घर वाले भी यही बोल रहे हैं कि आप ना इस मतलब ये फ़ोन का काम बिल्कुल कम कर दो। तो हो सके तो कुछ महीनों के बाद मैं इस चैनल को छोड़ ही दूँगी, क्योंकि भाई ज़िंदगी है तो सब कुछ, अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्यारे नहीं आंखें प्यारी, अगर आंखें रहेंगी ना तो कहीं और से भी पैसा कमा लूँगी। ऐसे बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब फेसबुक, तो सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमाइए। पर मैं बहुत जल्दी ना इसको बंद करने वाली हूँ, और बस मेरे थोड़ा सा काम बचा है वो पूरा हो जाए, उसके बाद मैं इसको बंद ही कर दूँगी फिर। और अभी मैं अपने किचन गार्डन में जा रही हूँ, और वहाँ पे जो हमने ऑर्गेनिक पौधे लगा रखे हैं ना, उनका में पड़ गई है घास। घास तो उसमें ना कब की पड़ गई है, पर अब इतनी इतनी बड़ी बड़ी जैसी हो गई है, तो वो निकालूंगी मैं वहाँ पे जो पौधे लगाए ना, उनकी देख रेख करूँगी। और अभी मतलब 5:30 बजे के आसपास से जो है थोड़ा सा बुखार कम हुआ है, तो जैसे ही थोड़ा सा बुखार कम होता है मैं चल पड़ती हूँ अपने काम के ऊपर। आज ना पूरा दिन मैंने सोकर ही गुजार दिया, सुबह 9:30 बजे तक काटी थी गेहूँ बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद फिर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होकर दवाई खाकर मैं सो गई थी, और मैं अभी 5:30 बजे उठी हूँ। अभी अपने किचन गार्डन में जा रही हूँ, तो वहाँ का जो भी खरपतवार है उसको निकालूंगी, और जो भी हमने पौधे वगैरह लगा रखे ना उनमें पानी भी तभी दिया जाएगा जब उसका खरपतवार निकलेगा। तो वहाँ पर जा रही हूँ, और दराची भी ले जा रही हूँ, साथ में टोकरा भी ले जाऊँगी, क्योंकि जो घास है ना ये बड़ी बड़ी होगी, ये पशुओं को टोका करने के काम आ जाएगी। तो पहले मैं किचन गार्डन का बता देती हूँ, क्योंकि किचन गार्डन हमारा यही है साथ में ही। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास होगी है इसमें, तो ये निकालूंगी मैं, और अभी वीडियो नहीं बनाऊंगी। जब मैं निकाल दूंगी ना, पता नहीं पूरी ख़त्म होगी या आज की नहीं होगी, क्योंकि तबीयत भी साथ नहीं दे रही है ना, तो जितनी भी निकलेगी फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर हम काम करते रहे ना तो बीमारी की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो पक्का ही लगा दिया यहाँ पे, और देखती हूँ मैं, अगर ख़त्म हो जाएगा तब ठीक है, अगर नहीं होगा तो कल कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा खरपतवार पड़ गई है इसमें, और ये सबसे फर्स्ट में ना धनिया लगा रखा है, तो इतने आराम आराम से निकालना पड़ेगा घास, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसके लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि।